श्री अमोल कोल्हे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हम सब जानते हैं कि आज हम कोरोना की वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं। हमारे देश में पहला केस 30 जनवरी को पाया गया था, आज 9 महीने बाद क्या परिस्थिति है। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि रिकवरी रेट अच्छा है, मॉर्टेलिटी रेट में कमी आई है, इसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूँ। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छुपकर हम इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते कि आज तक कोरोना की बीमारी की वजह से 90,000 देशवासियों ने अपनी जानें गंवाई है, 90,000 डेथ्स। और इसमें इनडायरेक्ट डेथ जैसे लॉकडाउन की वजह से सड़क पर चलते हुए माइग्रेंट लेबर्स की मौतें, कारोबार चौपट होने की वजह से परिवारों ने की हुई सामुदायिक खुदकुशियां, ऐसी मौतें शामिल नहीं है। और इसलिए आज ये देश की जनता सरकार से जवाब मांग रही है कि जब कोरोना अपने देश में हाथ पैर फैला रहा था, तब आप अमरीकी राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत में मशगूल थे। जब देश की सेहत संभालने के प्रयास जरूरी थे, तब आप राज्यों की सरकारें गिराने के प्रयास में लगे हुए थे। और इसका खामियाजा आज देश के हर आदमी को भुगतना पड़ रहा है। अगर दूरदृष्टि दिखाते हुए आपने उसी वक्त हर इंटरनेशनल ट्रैवलर का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। और फिर आपने सरप्राइज इवेंट की तरह लॉकडाउन देश पर थोप दिया। लॉकडाउन लगाते वक्त ये नहीं सोचा कि इसे फेज आउट मैनर में भी लॉकडाउन किया जा सकता है। ये नहीं सोचा कि मार्च के महीने में कोरोना का स्प्रेड सिर्फ शहरी इलाकों में था, ग्रामीण इलाकों में नहीं। और ना ही आपने लोगों को तैयारी करने का अवसर दिया, थोप दिया देशव्यापी लॉकडाउन। परिणाम स्वरूप किसानों के हाथ से फसल चली गई, कईयों की रोजी रोटी चली गई, माइग्रेंट लेबर्स को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, लोगों ने बच्चों को बिस्कुट खिलाकर पानी पिलाकर सुला दिया, लेकिन आप पर विश्वास रखकर उन्होंने उफ तक नहीं की। फिर आपने कहा तालियां बजाओ, हमने तालियां बजाई, थालियां पीटी, घंटानाद किया, शंख ध्वनि किए, दिए भी जलाए, हमने सब किया, आप पर विश्वास रखकर किया। और विश्वास ये था कि सरकार पूरी जिम्मेदारी से कोरोना की रोकथाम करेगी। आज भी ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड की उपलब्धि के आंकड़े जोर शोर से बताए जाते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन वास्तविकता क्या है? आज देश के आम आदमी को हॉस्पिटल में बेड पाने के लिए, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। कई अभागी देशवासी ऐसे हैं कि जिन्हें रस्ते पर दम तोड़ना पड़ा है। क्या देश ने आप पर विश्वास जताया था, उसका यही फल आपने देश को दिया है? आज 9 महीने बाद भी सर्वशक्तिशाली सरकार देशवासियों के दिलों से इस दहशत को उखाड़ फेंक नहीं पाई, जिनकी उनके दिल में इनसिक्योरिटी है अपनी जान को लेकर, अपनी सेहत को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने भविष्य को लेकर। तो क्या यह हमारी विफलता नहीं है? आज कोरोना की मृत्यु संख्या में देश विश्व में दूसरे पायदान पर है अध्यक्ष महोदय, और फास्टेस्ट ग्रोइंग केस लोड में हमने अमेरिका और ब्राजील को पीछे छोड़कर पहला पायदान प्राप्त कर लिया। क्या यह भूषणा वह है हमारे लिए? मैं सदन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या देश कम्युनिटी ट्रांसमिशन की फेज में है या नहीं? अगर इस सवाल का जवाब हां है, तो सरकार की सब पॉलिसीज फेल हो चुकी है, इसका यह सबूत है। और अगर इस सवाल का जवाब ना है, तो फिर प्रतिदिन 1,00,000 के करीब केसेस कैसे पाए जाते हैं? अध्यक्ष महोदय, हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमें पॉलिसीज में बदलाव की आवश्यकता है। अब तक हम इंडिविजुअल केस आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटाइन के बजाय अब हम जियोग्राफिकल स्प्रेड ट्रैकिंग और उस एरिया में पर्याप्त आरोग्य सुविधा डिप्लॉय करने के बारे में क्या हमें सोचना चाहिए? आज कोरोना से जो युवा उभरे हैं, वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए रेडी है, लेकिन मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आईसीएमआर का अब तक प्लाज्मा डोनेशन के लिए, प्लाज्मा थेरेपी के लिए क्लियर डायरेक्टिव नहीं है। वही बात सलाइवरी टेस्टिंग की है और वही बात औषधों के दरों की है। आज फैबीफ्लू ले लीजिए, आज रेमडेसिविर ले लीजिए, आम आदमी के जेब के पहुंच से ये दवाइयां आज भी बाहर है, इस पे विचार होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात तो यह है अध्यक्ष महोदय, कि जिन पर हमने कोविड वॉरियर्स करके फूल बरसाए, उनमें से कितने मेडिकल प्रोफेशनल्स की कोरोना से मृत्यु हुई, इसकी भी जानकारी हमारे पास नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। जब मैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, तो मैं मेरे साथी सांसद फैजल जी का अभिनंदन करूंगा कि लक्षद्वीप में आज तक एक भी कोविड का केस पाया नहीं गया, इसलिए मैं अभिनंदन करूंगा। लेकिन उसी के साथ जब हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो कोविड से सबसे बाधित राज्य मेरा राज्य है महाराष्ट्र। आज महाराष्ट्र में 22% केसेस है और 37% डेथ्स है।
अध्यक्ष महोदय मैंने अभी शुरू किया है, अभी मैं करेक्टिव मेजर्स पे आ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, दो मिनट दीजिए सिर्फ, सिर्फ दो मिनट दीजिए। और जैसा सांसद अरविंद जी सावंत ने कहा उस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, आदरणीय शरद पवार जी के मार्गदर्शन में कर रही है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री राजेश जी टोपे आए दिन फील्ड पर है, लेकिन WHO के अनुमान के अनुसार नवंबर दिसंबर में हालात और बिगड़ सकते हैं अध्यक्ष महोदया, और ऐसे में भारत सरकार ने 1 सितंबर से महाराष्ट्र सरकार की वेंटिलेटर्स, PPE किट्स, टेस्टिंग किट्स, N95 मास्क, ये मदद पूरी तरह से रोक दी है। हमारे मराठी में कहावत है अध्यक्ष महोदया, आई जेऊ घाली ना आणि बाप भीक मागू देईना, ऐसा बर्ताव केंद्र की सरकार महाराष्ट्र सरकार से साथ कर रही है। क्या महाराष्ट्र के रहिवासी देशवासी नहीं है? क्या महाराष्ट्र के रहिवासियों के प्रति केंद्र सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं है? मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि अविलंब महाराष्ट्र सरकार को टेस्टिंग किट्स और अदर कंज्यूमेबल्स की मदद मुहैया की जाए, और उसी के साथ अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन सप्लाई के लिए महाराष्ट्र में ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग मेगा यूनिट के निर्माण के बारे में सोचा जाए। अध्यक्ष महोदय, जब हम कोविड की लड़ाई में रिसोर्सेस की बात करते हैं उतना ही अहम है स्किल्ड मैन पावर। जैसे कि आरोग्य मंत्री मैडम, ये बहुत अहम मुद्दा है, देश के लिए बहुत अहम मुद्दा है कि जैसा कि आरोग्य मंत्री जी ने बताया कोरोना का वैक्सीन आने में कुछ समय लगेगा, तो इसके लिए हमें सिर्फ दो मुद्दे, इसके लिए हमें स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ने वाली है, और इसीलिए जो नेशनल हेल्थ मिशन के रेट्स है उन रेट्स में आसानी से स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध नहीं हो सकती, इसलिए नेशनल हेल्थ मिशन के रेट्स को रिवाइज किया जाए ताकि और ज्यादा स्किल्ड मैन पावर इस कोरोना की लड़ाई में इन्फ्यूज की जा सके। और उसी के साथ बहुत धन्यवाद MCI की।